वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल क्यूबिक्स ब्रेन में। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं डोरेमोन और शिनचैन से रिलेटेड कुछ कमाल की मिस्ट्रीज आपके साथ शेयर करूंगा। तो दोस्तों, हमें इन शोज में कई सारी मिस्ट्रीज दिखाई जाती है जिनके बारे में कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया जाता, और फिर हम ये सोचने में लगे रहते हैं और अपना सर खुजाते रहते हैं कि आखिर ये क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं ऐसे ही कुछ कमाल की मिस्ट्रीज आपके साथ शेयर करूंगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल की प्रथा को पूरा जरूर करना, मतलब सब्सक्राइब कर लेना और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर देना। तो बढ़ते अपनी पहली मिस्ट्री की तरफ। तो दोस्तों, जो हमारी पहली मिस्ट्री है वो डोरेमोन से है। अब दोस्तों, जरा उन एपिसोड्स को याद करो जिसमें शिज़ुका के फादर को दिखाया हो, या फिर मूवीज जिनमें शिज़ुका के फादर अपीयर हुए। तो ऐसे बहुत कम एपिसोड्स हैं जिसमें शिज़ुका के फादर की अपीयरेंस हुई है। तो दोस्तों, अगर आप ध्यान दोगे तो आपने ये नोटिस तो जरूर किया होगा कि जो शिज़ुका के फादर की अपीयरेंस है उसे कई बार चेंज करा जा चुका है। जैसे कि 1973 के एनिमी के विशिंग स्टार एपिसोड में शिज़ुका के फादर की पहली अपीयरेंस दिखाई गई थी, जिसमें वो लंबे और एक हट्टे कट्टे इंसान के तौर पर दिखाए गए थे। उसके बाद 1979 के एनिमी में उनकी वापस से अपीयरेंस को चेंज कर दिया गया था। इसमें वो थोड़े लंबे और पतले शरीर वाले थे, मतलब पहले के बिल्कुल उल्टे थे। उसके बाद जो 2005 वाला एनिमी आया, उसमें उनके अपीयरेंस को दोबारा चेंज करा गया। इसमें वो बिल्कुल नोबिता के स्कूल टीचर की तरह दिखाए गए। उसके बाद हमें डोरेमोन के स्टैंड बाय मी के दोनों पार्ट में दिखाया गया, और उसमें उनकी अपीयरेंस 2005 के अपीयरेंस जैसी ही थी। तो दोस्तों, अब जो हमारी दूसरी मिस्ट्री है वो शिनचैन की मूवी से है। दोस्तों, शिनचैन की मूवी विलन और दुल्हन से हमें एक कमाल की मिस्ट्री पता चलती है। इस मूवी में जो शिनचैन की फियांसे होती है, जो कि फ्यूचर से आई हुई होती है, वो शिनचैन को पास्ट से फ्यूचर में ले जाती है ताकि वो बड़े वाले शिनचैन की मदद कर सके। उसके बाद जो मूवी में होता है वो तो आपको पता ही है। जो शिनचैन और बड़ा वाला शिनचैन होता है वो आखिर में जीत जाते हैं और तामिको के डैड को हरा देते हैं। उसके बाद जो छोटा वाला शिनचैन है वो वापस टाइम मशीन का इस्तेमाल करके अपने दोस्तों के साथ वापस पास्ट में आ जाता है। लेकिन दोस्तों, इसमें एक चीज़ गौर करने वाली थी। जब शिनचैन को पास्ट से फ्यूचर में लाना था तो जो तामिको थी वो खुद शिनचैन को लेने आती थी, लेकिन उसके बाद एंडिंग सीन में जो तामिको है वो शिनचैन को छोड़ने नहीं आती। मतलब शिनचैन खुद ही टाइम मशीन का इस्तेमाल करके वापस पास्ट में आता था, और इसका मतलब ये था कि जो टाइम मशीन थी वो वापस शिनचैन के पास ही रह जाती थी। हमें लास्ट के सीन में दिखाया गया था कि उस टाइम मशीन से हिमावारी खेल रही थी। अब दोस्तों, सोचने वाली बात यह है कि आखिर ये इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकते हैं। टाइम मशीन कोई छोटा मोटा खिलौना नहीं है। दोस्तों, माना कि शिनचैन ने बड़े वाले शिनचैन की मदद करी, लेकिन है तो वो भी 5 साल का बच्चा ही, तो उसने छोटे वाले शिनचैन को भला इतनी आसानी से टाइम मशीन कैसे दे दी। अब दोस्तों, इसको एक्सप्लेन करने के लिए मेरे पास एक एक्सप्लेनेशन है। असल में हो सकता है कि जो बड़ा वाला शिनचैन है उसके पास 2 टाइम मशीन हो। अब आप सोचोगे कि 2 टाइम मशीन उसके पास कैसे आई। दोस्तों, 1 टाइम मशीन तो वो होगी जिसे बोचैन ने बनाया होगा। हमने मूवी में देखा था कि बोचैन एक साइंटिस्ट बन चुका था, तो हो सकता है कि 1 टाइम मशीन तो बोचैन ने ही बनाई हो। और वहीं जो दूसरी टाइम मशीन होगी वो असल में वही टाइम मशीन थी जो उसे तब मिली थी जब वो खुद छोटा था। जब वो छोटा था तब उसने भी बड़े शिनचैन की मदद करी होगी, और उससे वो उसे टाइम मशीन मिली होगी, जैसे कि अभी हमारे शिनचैन को मिली है। तो देखा जाए तो शिनचैन को टाइम मशीन मिलना उसकी डेस्टिनी में ही लिखा है, और ये चीज़ ऐसे ही आगे भी चलती रहेगी। अब दोस्तों, जो तीसरी मिस्ट्री है वो भी हमारे डोरेमोन से ही है। जो डोरेमोन की मूवी है 3 मैजिकल स्वॉर्ड्समैन, वो मुझे डोरेमोन की सबसे बेस्ट मूवीज में से एक लगती है। उस मूवी में कई सारी मिस्ट्रीज हमें दिखाई जाती है, और वो डोरेमोन की सबसे मिस्टीरियस मूवीज में से एक भी है। दोस्तों, उस मूवी के लास्ट के सीन में हमें दिखाया गया था कि जो नोबिता है वो जब उठता है और अपने स्कूल जाने के लिए तैयार होता है, तो हम देखते हैं कि जो उसका स्कूल है वो पहाड़ी के एकदम टॉप पर पहुंच चुका है। मतलब नोबिता का स्कूल पहाड़ी के टॉप में आ गया है, लेकिन कैसे? अब दोस्तों, क्रिएटर्स ने ये सीन ऐसे ही तो नहीं डाला होगा, कुछ ना कुछ रीज़न तो होगा इस सीन को डालने के पीछे। तो दोस्तों, पहला रीज़न तो ये हो सकता है कि क्रिएटर ने सोचा होगा कि आगे इस मूवी का सीक्वल बनाया जाए, मतलब इसका सेकंड पार्ट बनाया जाए, जिसके तौर पर उन्होंने एंड सीन में नोबिता के स्कूल को पहाड़ी के टॉप पर दिखाया हो। मतलब उनके दिमाग में सेकंड पार्ट के लिए कोई प्लान चल रहा होगा, जिसके लिए उन्होंने एंड में ये सीन दिखाया, लेकिन बाद में उन्होंने प्लान कैंसिल कर दिया होगा। अब दोस्तों, वैसे इस चीज़ के होने के चांसेस तो बहुत कम है,
अब दोस्तों जो सेकंड रीज़न ये हो सकता है कि असल में जो डोरेमोन की ये मूवी थी ये बहुत सारी मिस्ट्रीज से भरी हुई थी। इस मूवी की लगभग हर चीज़ में मिस्ट्री थी, तो हो सकता है कि क्रिएटर्स को ऐसा लगा हो कि क्यों ना इसके एंडिंग सीन में भी कुछ मिस्ट्री एलिमेंट छोड़ दिया जाए, और इसी वजह से उन्होंने लास्ट के सीन में ये स्कूल पहाड़ी के टॉप पे दिखाया, जिससे कि जो व्यूवर्स है वो इस सोच में लगे रहे कि आखिर स्कूल पहाड़ी के टॉप पर पहुंचा कैसे। दोस्तों असल में कई सारे मूवी क्रिएटर्स ऐसे सीन अपनी मूवीज़ में डालते हैं जिनके पीछे कोई रीज़न तो नहीं होता, लेकिन वो इसलिए डाले जाते हैं ताकि जो व्यूवर्स है उनका अटेंशन मूवी में बना रहे। अब दोस्तों जो तीसरा रीज़न है वो मुझे सबसे ज़्यादा सही लगता है। असल में हमने मूवी में देखा था कि जो डोरेमोन है वो एक लाल बटन को दबाता था, अब वो लाल बटन से होता ये था कि जो रियलिटी की दुनिया है और जो सपनों की दुनिया है वो आपस में एक्सचेंज हो जाती थी। मतलब जो रियलिटी है वो सपना बन जाएगी और जो सपना है वो रियलिटी बन जाएगा। तो उसके बाद जब एंड सीन में जो रोबोट था वो उस मशीन को ले जा लेता था, अब दोस्तों हो सकता है कि वो मशीन में कुछ खराबी रही हो जिसकी वजह से जब सपना ख़त्म हो गया था तो कुछ सपने की चीज़ें रियल वर्ल्ड में मिक्सअप हो गई हो। दोस्तों अगर आपको याद होगा तो मूवी में हमें दिखाया गया था कि जो शिजुका के फादर थे उनका जो कासल था वो असल में पहाड़ी के टॉप पर था, और शिजुका के फादर बिल्कुल नोबिता के टीचर की तरह दिख रहे थे। और दोस्तों उसके बाद एंड में भी हमें ये दिखाया गया कि जो स्कूल है वो पहाड़ी के टॉप पर है, तो हो सकता है कि ये वाली चीज़ जो सपने में थी वो रियलिटी में मिक्स हो गई हो जिसकी वजह से नोबिता का स्कूल पहाड़ी के टॉप पर पहुँच गया हो। अब दोस्तों आपको इस बारे में क्या लगता है मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर जरूर करना। बहुत जल्द मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।